हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम विकास कुमार है और क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी व्हाई आई लेफ्ट पावर ग्रिड, तो उसमें जो है बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए थे मुझे, और उस कमेंट का जो भी क्वेरीज थी रिलेटेड टू डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट का जो वैकेंसी आई है इस बार पावर ग्रिड में उसके रिगार्डिंग है, और उसमें अलग अलग कमेंट आए थे। सारे कमेंट का मैं एक एक करके आपको उसका जवाब दूंगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि इस बार जो है पावर ग्रिड में जो वैकेंसी आई है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 425 और 425 पोस्ट अभी तक का सबसे मैक्सिमम पोस्ट है, यूज वैकेंसी कर सकते हैं इसको। इससे पहले भी आई थी तो 200 समथिंग था उस टाइम में, इससे पिछली बार जो आई थी वैकेंसी, लेकिन इस बार 400 प्लस वैकेंसी है सारे रीजन मिला के। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वह 23 सितंबर 2023, और फॉर्म जो फिल करना स्टार्ट हुआ वो 1 सितंबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों अगर इससे पहले मेरा वीडियो जो भी देखे होंगे व्हाई आई लेफ्ट पावर ग्रिड, उसमें मैंने पावर ग्रिड के बारे में एक एक चीज मैंने बताया है कि कौन जॉब ट्रेनिंग, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उसके बाद से ट्रेनिंग में आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपका मतलब जो जॉब लाइफ है वो कैसा रहेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे पावर ग्रिड में। तो इससे पहले मैं बात करता हूँ कि इस बार जो वैकेंसी आई है कम्युलेटिव वैकेंसी है, अलग अलग रीजन का अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है, NR1, NR2, SR1, SR2, उसके बाद वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन 1, नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो सारे रीजन मिला के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 425। तो दोस्तों आप लोग एडवर्टाइजमेंट एक बार देख लीजिए प्रॉपर क्या क्या है, एज लिमिट क्या क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उसके बाद आपका आप किस रीजन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप किस रीजन में ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी है। सिलेक्शन जैसे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, अगर आपका तैयारी सही रहेगा तो आप अपना होम रीजन चूज कर सकते हो। सपोज करो आपका स्टेट, आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो तो आपका दिल्ली रीजन में जो NR1 रीजन है उसको आप चूज कर सकते हो। सपोज करो आपने नॉर्थ ईस्ट रीजन का गुवाहाटी से हो तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन चूज कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो सकता है तो आप अपना रीजन चूज कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि जैसे कल कभी डाउट रहता है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ होता है। तो इस बार जो है दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी NR1 रीजन 1 में, लेकिन क्या होता है दोस्तों जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती है, सपोज करो कि NR1 रीजन में 70 प्लस वैकेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो चॉइस होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसको लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होता है तो नंबर ऑफ फॉर्म जो है फिल भी ज्यादा होता है उस पार्टिकुलर रीजन में, और इससे क्या होता है कि कट ऑफ कम की जगह ज्यादा चली जाती है। वही अगर दूसरे रीजन में क्या होता है कि सारे रीजन का, क्योंकि रीजन वाइज अलग अलग वैकेंसी है, सपोज करो साउदर्न रीजन में किसी रीजन में 40 है किसी में 35 है तो वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम जाएंगे और वहां पे कट ऑफ कम जाता है, ऐसे भी साउदर्न रीजन को बहुत कम प्रीफर करते हैं। इसलिए मेरे अनुसार से अगर आपको सही में जॉब की आवश्यकता है, अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आप, अगर आपका तैयारी ठीक है अप टू द मार्क है तो आप साउदर्न रीजन जा सकते हो। अगर आपका तैयारी मतलब आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो कि मैं किसी भी रीजन से एग्जाम निकाल सकता हूं तो अपना होम टाउन आप चूज कर सकते हो, आपका जो होम रीजन है होम स्टेट है उस रीजन को पार्टिकुलरली चूज कर सकते हो। उसके बाद सबके मन में डाउट होगा कि इससे पहले बीटेक अलॉट था पावर ग्रिड में, तो जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय बीटेक अलॉट था, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों था, जो डिप्लोमा किया वो भी फॉर्म फिल कर सकता था, उसका भी सिलेक्शन हुआ, बीटेक भी हुआ। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, सपोज करो कि जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस समय टोटल 30 पोस्ट था, 30 पोस्ट था NR1 रीजन में, 30 में से जो सिलेक्शन हुआ था वो 25 बंदे का जो सिलेक्शन हुआ था वो बीटेक था, सिर्फ 5 कैंडिडेट था वो डिप्लोमा था। तो उसमें क्या होता है कि बीटेक वाले जब ज्वाइन करते हैं पावर ग्रिड तो क्योंकि उसको लगता है कि पावर ग्रिड में मतलब आप जब वहां ज्वाइन करेंगे तो आपको वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट मीन्स आपका प्रोजेक्ट में है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में है, सब स्टेशन मेंटेनेंस हो गया आपका, कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन में है या ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस में है, तो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग आप किस, आपका जो वन जॉब ट्रेनिंग होगा किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, ठीक है, अगर आप ट्रांसमिशन लाइन में है तो उसका और प्रोफाइल अलग है, उसका
वर्क लाइफ अलग है, ठीक है, उसका जो टाइमिंग है वो अलग है। इसी तरह अगर आप सब स्टेशन में है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन सब स्टेशन है, मतलब नया नया सब स्टेशन बन रहा है, उसका वर्क लाइफ अलग है वहां पे, क्योंकि आप एक तरह से वो प्रोजेक्ट हो गया, तो प्रोजेक्ट में आपको उसका बिल्कुल लाइफ अलग है। अगर आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में है तो उसका अलग है। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या क्या है अलग अलग, उसका टाइमिंग क्या रहता है, ठीक है, आपको क्या क्या करना पड़ता है डे टू डे अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले मैं बात करूं कि जो क्वालिफिकेशन है, इसमें मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था इसमें, कि मैं अभी आपको बताता हूं क्या था। सर आई हैव कंप्लीटेड, रंजीत कुमार करके है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें कमेंट किया है, सर आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा प्लस बीटेक, कैन आई अप्लाई फॉर पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट। तो इसमें जो मेरा ये है कि इसमें जो भी डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। सपोज करो आपने फॉर्म फिल भी कर दिया, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, और बहुत को ऐसा लगता है कि डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है तो मैंने सिर्फ डिप्लोमा का उसमें क्वालिफिकेशन डाल के फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, आप शॉर्टलिस्टेड भी हो जाएगा, आपका एग्जाम भी हो जाएगा, और मे भी आपका अगर सिलेक्शन भी हो जाता है, सपोज करो आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप तो ये सोचेंगे ठीक है मैं डिप्लोमा का जो डिग्री है वही सिर्फ दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जो बीटेक है उसको हाइड कर लूंगा। आप उस समय तो हाइड कर सकते हैं, जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो वहां पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्या है कि कुछ रिसोर्सेस से पावर ग्रिड खुद पता कर लेता है कि आपके पास क्या क्या डिग्री है, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं किसी भी टाइम आप वहां पे आपको पकड़ में आ जाइएगा उसके, तो आपको वहां से क्या करेगा आपका तो एक तो जॉब तो चला जाएगा, ठीक है, और मे भी आप एग्जाम में कोई दूसरे एग्जाम में बैठने को नहीं दिया जाएगा, इसलिए इस तरह का रिस्क ना लें। इससे पहले भी जब मैं पावर ग्रिड ज्वाइन किया था तो उसमें मेरे बाद वाला एक बैच आया था, उसमें इस एक बंदे का यही हुआ था, वो क्या किया था उस टाइम उसने डिप्लोमा भी कर रखा था और बीटेक भी कर रखा था, तो उसने ज्वाइन कर लिया, उसका ज्वाइनिंग भी हो गया पावर ग्रिड, उस समय पता नहीं किया, ठीक है, उसका ज्वाइनिंग हो गया, तो उसका भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो मेरा सब स्टेशन था, कंस्ट्रक्शन साइट था, प्रोजेक्ट साइट था, उसी साइट में हुआ था, राजस्थान के फतेहगढ़ में हुआ था, वहां पे पोस्टिंग हुआ। तो बाद में एचआर से कॉल आया उसको कि आपने बीटेक भी कर रखा है क्या, तो उस फोन कॉल आया इसे क्वेरी के लिए, तो जो सच्चाई है तो उसने बता दिया कि हाँ, उसके बाद दोस्तों वो उसको क्या किया जॉब से निकाल दिया। ये हुआ कि वहां पे जो उस टाइम जो सीजीएम थे उसको बचा लिया, नहीं तो क्या करता मतलब उसमें पावर ग्रिड एक तगड़ा एक्शन लेता, उसमें आप कभी भी फिर दूसरा एग्जाम में भी नहीं बैठ सकते, लेकिन उसको क्या किया पावर ग्रिड ने सिर्फ जॉब से निकाल दिया, उसपे कोई एक्शन नहीं लिया, तो दूसरे एग्जाम में आराम से बैठ सकता है। इसलिए आप इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा का डिग्री है वही इस फॉर्म को फिल कीजिए। तो आप इसमें क्लियर रहिए कि अब जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, ना कि बीटेक के लिए। सपोज डिप्लोमा बीटेक दोनों किया वो भी नहीं भर सकता, एमटेक किया वो भी नहीं भर सकता, तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, जैसे दूसरा क्वेरी आया था कि मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिकल और सिविल का जो भी जॉब है, जैसे सपोज करो आपका सिलेक्शन हो जाता है, मैं तो पहले सिलेक्शन की बात करता हूँ कि इसका आपको पता होगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। सपोज करो कि आपने NR1 रीजन से फॉर्म डाला, NR1 रीजन में आपका सिलेक्शन हो गया, NR1 रीजन में सिलेक्शन होने के बाद जो मेरिट बनती है दोस्तों, जो पावर ग्रिड मेरिट बनाता है, सपोज करो 50 वैकेंसी है NR1 रीजन, एग्जाम्पल पे मैं बोल रहा हूँ 50 वैकेंसी है, तो जो सिलेक्शन होगा वो जो पैनल बनेगा मेरिट लिस्ट का उसमें 1.5 टाइम शॉर्टलिस्टेड करता है पावर ग्रिड, तो 50 है तो 75 कैंडिडेट को, 1 से लेके 75 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करेगा एज पर मेरिट, मेरिट के अनुसार। उसके बाद उसमें जो टॉप 50 कैंडिडेट होगा 1 से 50 तक, उसको क्या करेगा कॉल लेटर भेजेगा किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो पावर ग्रिड में क्या होता है, अगर आपका सिलेक्शन होगा जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, विद इन 1 वीक आपको डीवी करवा लेगा, उसके बाद डीवी करा के जैसे सपोज करो आज डीवी कराया फिर कल मेडिकल करवा लेगा, चाहे आज ही डीवी आज ही मेडिकल, ऐसा भी करता है, हम लोग के साथ ऐसा हुआ, आज डीवी हुआ कल मेडिकल हुआ, और उस मेडिकल जैसे होता है एक दिन बाद रिजल्ट आता है मेडिकल का, मेडिकल का रिजल्ट आने के बाद इंस्टेंटली आपको ज्वाइनिंग के लिए बोलता है, तो आपको ज्वाइन करवाता है। तो पहले जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सपोज करो कि किसी का मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो डिपेंड करता है मेडिकल का क्या क्या रूल है पावर ग्रिड का, ठीक है,
तो उसमें अगर जैसे किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो उसको टाइम मिलता है, कुछ ऐसा है मेडिकल का जैसे उसकी मतलब उस टाइम को रिजेक्ट हो गया लेकिन उसको टाइम मिलता है कि हाँ एक महीने दो महीने टाइम मिलेगा, आप फिर से आओ, फिर से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर उस टाइम तक अगर आप फिट हो गए तो आपको ज्वाइनिंग देते हैं, अगर उस टाइम तक भी फिट नहीं हुए फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं देते, इस तरह करते हैं। तो उसके बाद एक बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद जो है फिर तो उसके बाद मेडिकल में अगर आपका आप फिट हो गए तो आपको ज्वाइनिंग दे देगा। और सपोज करो कि जैसे 30 कैंडिडेट हैं, सपोज करो कि सॉरी 50 कैंडिडेट हैं, 50 कैंडिडेट को बुलाया, उसमें से 50 में 45 कैंडिडेट ही अपियर हुआ, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल के लिए, तो उसमें से 50 कैंडिडेट जो होगा 50 में से 45 होगा, 45 कैंडिडेट का क्या होगा, सिलेक्शन हो गया, तो पांच जो सीट है, पांच कैंडिडेट नहीं आया तो क्या होगा, जो अगला पांच है इस प्रोसेस के बाद जब इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा 45 कैंडिडेट का, तो महीने दो महीने के अंदर जो है पांच फ्रेश कैंडिडेट जो 50 से 55 51 से 55 के बीच है उसको फिर कॉल लेटर भेजेगा। तो इसमें वेटिंग लिस्ट जो हम लोग बोलते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है, पावर ग्रिड में वेटिंग लिस्ट भी रखता है, और जब सपोज करो कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया किसी कारणवश, या कोई ज्वाइन करने के बाद भी रिजाइन कर दिया चार पांच महीने तक या अगले वैकेंसी आने तक, जैसे मान तो चलो कि इस बार वैकेंसी आई, इसमें फाइनल लिस्ट बना, फाइनल ज्वाइनिंग मिल गया, तो उसमें से 50 सीट में से फाइनली 40 कैंडिडेट ही ज्वाइन कर पाया, और अगला वैकेंसी आने तक अगर कभी भी रिक्रूटमेंट रहेगा पावर ग्रिड का तो क्या करेगा, तो क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 50 आई थी तो उसमें वेटिंग लिस्ट को बुलाएगा एक एक, तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट में भी चांस मिलता है पावर ग्रिड में। और ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट है जो बीच बीच में ज्वाइन करते रहता है, जैसे जैसे कैंडिडेट छोड़ता है कोई किसी कारणवश कहीं दूसरे जगह हो जाता है, रिजाइन कर देता है, तो जो भी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट रहते हैं उसको वापस बुलाते हैं। तो ये तो आपका प्रोसेस हो गया। उसके बाद जैसे सिलेक्शन होगा उसके बाद आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, 15 दिन का जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों वो आपका एचआर करवाता है, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, जैसे एनआरओ रीजन का हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, यही दिल्ली में हुआ था ट्रेनिंग 15 दिन का, वही होटल में हुआ था, और वहां पे आपका ट्रेनिंग होता है, पावर ग्रिड के जो भी इम्प्लॉई है एग्जिस्टिंग इम्प्लॉई वो सब आके बताते हैं अलग अलग। उसके बाद आपको विजिट करवाएगा नियरेस्ट सब स्टेशन पावर ग्रिड का, जैसे आपका जितने भी सब स्टेशन है पावर ग्रिड के, गैस इंसुलेटेड हो गया आपका, एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन, उसमें बुलाता है आपको, विजिट करवाता है आपको, बताता है क्या क्या है, तो आपको एक नॉलेज आता है। उसके बाद फिर आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग के रूप में जैसे 15 दिन का ये ट्रेनिंग हो गया, क्लास ट्रेनिंग होता है पावर ग्रिड के, जितने भी फैकल्टी मेंबर है वो आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं सब स्टेशन मेंटेनेंस के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन के मेंटेनेंस के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या क्या प्रोजेक्ट रन कर रहा है करेंट में, कहाँ पे आपका पोस्टिंग मिलेगा, तो वो सब जब आपका 15 दिन ये सब प्रोसेस चलता है, 15 दिन के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद असेसमेंट होता है, 15 दिन आपने क्या सीखा, आपको एज ए एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें, आपको सारे उसमें वो एक तरह से एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है, तो वो आपको एग्जाम की तरह होता है। उसके बाद 15 दिन जैसे कंप्लीट होता है लास्ट दिन आपको जॉब लोकेशन मिलेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसमें आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा कि आपका जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है OJT 1 ईयर के लिए आपको कहाँ पे भेजेगा, उसमें लोकेशन लिखा रहता है, वहां पे फिर जाकर आपको रिपोर्ट करना है विथिन 2 डेज के अंदर, ठीक है, और वहां पे आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर से रिपोर्ट करना है, उसके बाद आपको वहां पे एक साथ भी ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो जैसे किसी को अगर प्रोजेक्ट साइट मिल गया तो वहां पे प्रोजेक्ट साइट पे जाना पड़ेगा, किसी को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मिल गया तो वहां पे जाना पड़ेगा सब स्टेशन का, या किसी को ट्रांसमिशन लाइन का मेंटेनेंस मिल गया या ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन साइट मिल गया, तो अलग अलग जहां जहां पे जिसको पोस्टिंग मिलेगा वहां पे आपको जाना पड़ेगा ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ये सब आपका एक प्रोसेस है फिर एग्जाम से लेके आपके ज्वाइनिंग तक। उसके बाद आपका जो पे है वो आपको पता ही है क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग पीरियड में आपको कंसोलिडेटेड पे मिलेगा आपको 27,500 का पर मंथ, इसमें ना एचआर वो आपका कंसोलिडेटेड पे है बस उतना ही मिलेगा, ठीक है। उसमें भी क्या है कि पावर ग्रिड में ऐसा रूल है कि अगर कभी कोई इम्प्लॉई किसी कारणवश डेथ हो जाता है किसी का, तो प्रत्येक जितना भी इम्प्लॉई है पावर ग्रिड का वो सारे इम्प्लॉय से 400 या 500 रुपया उसके अकाउंट से डिडक्ट होता है, आपके सैलरी से डिडक्ट होगा अगर 1% का डेथ हो। तो कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता था कि उस टाइम में कोरोना था, कोविड के कारण एक साथ 10-10 इम्प्लॉय का डेथ हो गया था, तो मतलब
4-5 हजार रुपया पर मंथ डिथ में उसमें चला जाता था, डिडक्ट हो जाता था। तो ये पावर ग्रिड का पॉलिसी है कि जैसे डिथ होता है किसी एम्प्लॉय की, तो उसके फैमिली मेंबर को इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है, 35-40 लाख रुपया ट्रांसफर होता है, उसको एज ए सपोर्ट मिल जाता है उस टाइम पे। तो इस तरह का रूल है पावर ग्रिड में। उसके बाद आपको जैसे जब आपका वन पॉजिटिव हो जाएगा, जब एक साल कंप्लीट होने को रहेगा, उसके बाद आपको जैसे एक साल कंप्लीट होगा आपको फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाएगा आपको दिल्ली, अगर एनआरवन रीजन में सिलेक्शन हुआ है दिल्ली बुलाएगा, यहाँ पे एचआर इंटरव्यू लेगा, उसके बाद आपका वहां से जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वहां से रिपोर्ट कार्ड भेजता है कि आपका मतलब उस एक साल में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा ट्रेनिंग में। तो उसमें मार्किंग सिस्टम रहता है, 100 मार्कर आता है, उसमें 80 प्लस होना चाहिए, 80 प्लस अगर आपका है तो यहाँ से फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड को एक्सेप्ट करता है, हाँ ठीक है आपने सक्सेसफुली एक साल का ट्रेनिंग कंप्लीट किया और आपको एज ए जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी कैटेगरी लेवल वन को का पोस्ट मिलेगा, जो बेसिक पे जो है 25,000 बेसिक पे है, उसके बाद 3% एनुअल इंक्रीमेंट है दोस्तों, उस पर 35% का कैफेटेरिया अलाउंस मिलता है, बल्क जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो करेंट ये चलता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो है, उसके बाद अगर एचआरए है, अगर आपको कंपनी की तरफ से पावर ग्रिड की तरफ से अगर आपको रहने के लिए हाउस वगैरह मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एचआरए पावर ग्रिड की तरफ से मिलेगा। और बहुत सारे फैसिलिटी है, उसका वीडियो मैं आपको बताऊंगा, एक बार बनाऊंगा क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो एक बार आप लोग बस अच्छे से तैयारी कीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए और पावर ग्रिड में काम करने में बहुत मजा आएगा, सीखने को बहुत चीज मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।